हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और ये देखिए, मॉर्निंग का टाइम है, दिन है आज फ्राइडे का और 24 तारीख है। वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया, एडिटिंग नहीं कर पाई थी, सैटरडे संडे बीच में पड़ गया तो इसलिए एडिटिंग नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर ये गनगौर वाला दिन है, वीडियो आज गनगौर का मैंने है जो एडिट करके डाला है। तो यहाँ पर आज अभी मैं सुबह उठ के ये सब्जी है ना बना ले रही हूँ, मिक्स वेज सब्जी, क्योंकि इनके फ्रेंड घर पर खाने के लिए आने वाले हैं, मतलब वो भी राजस्थान से हैं तो वो मेरे साथ ही गनगौर पूजेंगी। तो इस वजह से मैं खाना थोड़ा, पहले मैं सोच रही थी कम खाना बनाऊंगी, सिर्फ एक सब्जी और पूरियाँ, लेकिन अब वो आ रहे हैं तो अच्छा नहीं लगता। तो इस वजह से यहाँ पर ये मैं मिक्स वेज बना रही हूँ। तो इसमें मैंने बस लहसुन वगैरह का तड़का लगाया है, प्याज टमाटर गला के, और फिर है ना उसके बाद बस मैंने मिक्स सब्जियां डाली हैं, मटर है, बीन्स है और दोनों तरह की गोभी है, आलू है, तो यही सब कैप्सिकम वगैरह मिक्स करके यहाँ पर देखिए मैंने मिक्स वेज बना दी है। और दूसरी वाली कढ़ाई में भी मैंने ऑयल यहाँ पर डाला हुआ है, तो वहाँ मैं छोले की सब्जी बनाऊँगी। छोले में मैंने सीटी लगा दी थी, तो आज मैं ना बहुत जल्दी उठ गई थी, 5:30 बजे मैं उठ गई थी, क्योंकि काम बहुत सारा है और रेडी भी होना होता है, साफ़ सफाई भी है और पूजा की तैयारी भी मुझे अकेले ही करनी है, तो सामान इकट्ठा करना, और खाना भी आज काफ़ी सारा बनने वाला है, खीर वगैरह बनेगी तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, इस वजह से आज मैं जल्दी उठ के काम करने लग गई थी, क्योंकि तैयार होने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यहाँ पर देखिए मैं छोले की सब्ज़ी बना दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने तेल में जीरा तड़का है और उसके बाद वही करी पत्ता और तेज पत्ता और थोड़ा सा करी पत्ता वगैरह मैंने यहाँ पर डाला है, और अब मैंने ग्रेवी जो बना के रखी है वो डालूंगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च की मैंने ग्रेवी बनाई है। वैसे मैं ज़्यादातर प्याज टमाटर साथ में पीस देती हूँ, लेकिन आज मैंने नहीं पीसा है, आज मैंने प्याज लहसुन अदरक और मिर्ची की पहले ग्रेवी बनाई है। पहले मैं इसको अच्छे से पका लूँगी, उसके बाद इसमें टमाटर की प्यूरी डालूंगी, टमाटर को भी पीस के रख लूँगी, तो टमाटर की प्यूरी इसके बाद डालूंगी। तो देखिए प्याज अच्छे से भुन गया है, कलर चेंज हो गया है, प्याज का ऑयल भी छोड़ दिया है। तो यहाँ पर डाल दी है टमाटर की प्यूरी, तो थोड़ा सा उसमें से जो पॉट है उसमें पानी डाल के थोड़ा मैं इसमें डाल दूंगी, और अब मैं टमाटर को अच्छे से पकने दूंगी तेल ऊपर आने तक। तो यहाँ पर ये मैं बड़ी कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि छोले की सब्ज़ी थोड़ी सी ज़्यादा मैं बना रही हूँ, और यहाँ ऊपर जो मेरे रहते हैं सिक्योरिटी के बच्चे, तो सिक्योरिटी गार्ड के बच्चे तो है ना, उनको बहुत पसंद है। पहले मैंने मकर संक्रांति पर एक बार बनाई थी तो वो मुझे मांग रहे थे कि यहाँ मतलब आंटी आप छोले की सब्ज़ी बनाओ तो मुझे देना, तो इस वजह से भी, और कुछ लोग खाने पर भी आने वाले हैं, तो मैं थोड़ी ज़्यादा सब्ज़ी बना रही थी, इस वजह से मैंने ये बड़ी कढ़ाई निकाली थी, स्टील की कढ़ाई छोटी है उसमें इतनी सब्ज़ी नहीं आती है। तो यहाँ पर देखिए सारे मैंने ड्राई मसाले डाल दिए हैं थोड़ा सा। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी गनगौर, और आज गनगौर पूजा है, सुबह से लगी हुई हूँ काम में, नहा ली हूँ, झाड़ू पोछा कर लिया है एकदम से, पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी मैंने कर ली है, खाना लगभग सा बन गया है, थोड़ा बहुत बनाना है, थोड़ा बन रहा है, वैसे ही चल रहा है। तो ये देखिए, नहा के पूजा की थोड़ी बहुत तैयारी कर दी है, सामान इकट्ठा कर दिया है, ये गनगौर का सामान जो मेरे पूजने वाला है इधर रखा है, फूल वगैरह सब, लड्डू वगैरह जो बनाए थे सब इधर रखे हैं, थोड़ा बहुत खाना है जो बनाना है तो वो बना लेती हूँ, उसके बाद होंगे रेडी, क्योंकि इनके फ्रेंड आने वाले हैं तो इस वजह से, या साफ सफाई भी कर दी। तो इधर देखिए, आज मैंने ना ये गद्दा हटा दिया था यहाँ से, क्योंकि पूजा करने के लिए जगह नहीं रहती, मैं अकेले तो कर लेती हूँ लेकिन वो भी आएंगे, फिर घर भी है तो दिक्कत होती, तो यहाँ से मैंने ना गद्दा हटा दिया है और सिर्फ टेबल उधर लगा दिया है, ताकि इधर थोड़ा सा पूजा करने के लिए अच्छा स्पेस हो गया है, तो वो बेड पे अंदर बेडरूम में बैठ जाएंगी, इसलिए मैंने गद्दा हटा दिया यहाँ से, थोड़ा सा स्पेस हो गया इसके लिए। तो अभी खाना ना पूड़ियाँ थोड़ा बहुत बना के रखूँगी, थोड़ा जब ये लोग खाएंगे गरम तब बनाऊँगी, क्योंकि फिर पूजा के टाइम पे नहीं बनेगी, बच्चों को भूख लगेगी तो बच्चे खा लेंगे, इसलिए थोड़ी सी पूड़ियाँ मैं बना के रख दूँगी, बाद में पूजा करने के बाद सब कुछ गर्म पूड़ियाँ तल लूँगी। तो बाकी का थोड़ा बहुत जो काम है वो मैं कर लेती हूँ अभी, फिर चलिए थोड़ा सा काम है जो फटाफट कर लेते हैं, फिर होंगे रेडी, गर्मी को भी रेडी करूँगी, वो लोग भी आ जाएंगे 11 बजे तक, तो पहले कर लेते हैं, थोड़ा बहुत किचन का काम जो रह गया उसे कर लेते हैं।
तो फ्रेंड्स सब्जियां और रायता मैंने बना के रख दिया था, बाकी मैं नहाकर बना रही हूँ क्योंकि इनका मैं भोग लगाऊंगी भगवान को भी और गंगौर पूजूंगी तब भी लूँगी। तो सब्जियां मैंने बना दी थी क्योंकि ना काटने में और मसाला ग्रेवी बनाने में सब्जियां छीलने करने में ना बहुत कचरा हो जाता है, तो इस वजह से मैंने ये सुबह जल्दी उठ के बना दी थी, फिर बाद में दोबारा सफाई करनी पड़ती। तो अब मैंने झाड़ू पोछा कर लिया था, तो यहाँ पर एक तरफ मैंने खीर चढ़ा दी थी, एक तरफ पूड़ियों का मैं आटा लगा दी थी नहाने के बाद, और यहाँ पर पूजा के लिए मैं थोड़ा सा हलवा बना रही हूँ, हलवा बहुत थोड़ा सा ही बनाऊंगी, तो यहाँ पर 2-3 चम्मच सूजी का ही बस मैं ये हलवा बना रही हूँ। पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है हलवे के लिए। तो छोले की सब्जी, मिक्स वेज सब्जी और रायता बनकर रेडी है, आटा लगा लिया है, और पहनने का सामान रात को ही निकाल के रख दिया था मेरा और गार्वी का, तो इकट्ठा करके रख दिया था क्योंकि जब तैयार होने बैठते हैं ना तो चीज़ें पूरा ना घर फैल जाता है चीज़ें निकालने करने में, तो जो जो पहनना था वो रात को ही सेट करके रख दिया है। तो यहाँ पर खीर अब बनती रहेगी क्योंकि अभी खीर मैंने चढ़ाई है, तो खीर में 1-1.5 घंटा लगेगा। तो अभी थोड़ी बहुत पूड़ियाँ मैं तल मतलब छान के रख दूँगी, बच्चे अगर मांगेंगे तो फिर बीच में पूजा से उठना नहीं होगा, तो कुछ पूड़ियाँ मैं छान दूँगी और कुछ जब वो लोग गर्म खाएंगे तब उसी टाइम मैं ना पूजा करने के बाद बना दूँगी। तो यहाँ पर देखिए हलवा है ना रेडी हो गया है, और बस अब इसमें मैं चीनी ही डालूँगी, ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी। तो यहाँ पर बर्तन सारे खाली करके रख दिए थे, कढ़ाई सारी भी साफ़ करके रख दी थी बर्तन एक बार के पूरे, क्योंकि आज तो बर्तन वैसे भी दिन भर ही मुझे मांजने हैं, खाने पीने के बर्तन इतने हो जाएंगे बार बार, तो वही सब आज सारा दिन मेरा ऐसे ही जाएगा पूरा किचन में। और वो तो अकेली जब मैं होती हूँ ना तो मैं खाना बना कर रख देती हूँ पहले से ही, पूड़ियाँ वगैरह छान के रख देती हूँ, फिर सीधा पूजा करके मैं खा लेती हूँ। लेकिन अभी अब घर पे कोई आएगा तो अच्छा नहीं लगता ठंडी पूड़ियाँ बनाना, तो इस वजह से गर्म पूड़ियाँ ही मैं बनाऊँगी। और हो सकता है मेरी आवाज़ में थोड़ा डिस्टर्ब आ रहा हो क्योंकि है ना पास में घर बन रहा है, पहले वो फूट रहा था अब वो नया बन रहा है, तो यहाँ पर बहुत दिन तक काम चलेगा, 6-7-8 महीने तक, तो सुबह 6 बजे ही 7 बजे काम शुरू हो जाता है, तो सारे दिन का डिस्टर्ब रहता है यहाँ पर। तो मेरी वीडियो एडिटिंग में थोड़ी आवाज़ आती ही रहती है, कितना भी खिड़कियाँ वगैरह बंद कर लो फिर भी बहुत ज़्यादा आवाज़ें आती रहती है। तो यहाँ देखिए हलवा बन गया था, खीर अभी बन रही है, खीर जब तक मैं रेडी होंगी पूजा का और सामान थोड़ा सेट करूँगी, 1-1.5 घंटे मुझे लग जाएगा तब तक खीर बन जाएगी, अभी वो लोग आएंगे तब तक, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, अभी 10:45 ही बजे हैं, मैंने जल्दी ही काम थोड़ा कर लिया था। तो यहाँ पर कुछ पूड़ियाँ मैं छान के रख दे रही हूँ बच्चों के लिए, 15-20 पूड़ियाँ निकाल के रख दे रही हूँ कोई खाएगा तो, और उसके बाद में बनाऊंगी। और आज मैंने इनको भी घर पर ही रोका है, वैसे तो मैं मतलब वो नहीं भी आने वाले थे तो ना ये था कि मैं पूजा करने के बाद इनको जाने देती, क्योंकि मैं पूजा पे बैठ जाती हूँ तो कुछ सामान अगर छूट जाता है तो दिक्कत हो जाती है, इस वजह से मैं पूजा जब करती हूँ गणगौर की करवा चौथ की, तो जब ये होते हैं घर पर तब भी करती हूँ, करवा चौथ की पूजा पर भी मैं इनको जल्दी ही बुला लेती हूँ, शाम को जब मैं पूजा करती हूँ तो ये उस दिन भी जल्दी आ जाते हैं। तो फिर यही था कि आज ये लेट जाने वाले थे, तो इन्होंने बोला कि मैं हाफ डे में जाऊँगा तो उससे अच्छा है मैं यहाँ घर से ही काम कर लूँगा, तो ये घर पर ही रुक गए थे आज, और वैसे भी इनके फ्रेंड आने वाले थे। फ्रेंड्स मैं रेडी हो गई हूँ और इनके घर से आ गए हैं, तो करेंगे पूजा। तो मैंने ये पहना है, अब करेंगे पूजा, रेडी मैं हो गई हूँ और अभी इनके फ्रेंड्स वगैरह आ गए हैं, तो चलिए गणगौर की पूजा कर लेते हैं जैसी भी आती है वैसे। तो देखिए मैंने ये पहना हुआ है, अभी फुल वीडियो भी मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स इनके दोस्त आ गए हैं और यहाँ पर मैंने ये रजवाड़ी लहंगा पहना है जो मैंने अपने देवर की हल्दी में पहना था, ये वही लहंगा है, मैंने इस बार गणगौर पे कुछ लिया नहीं क्योंकि जस्ट अभी शादी पर बहुत सारी शॉपिंग हो गई थी। और ये रजवाड़ी लहंगा वैसे भी अब ये राजस्थान का त्यौहार है तो अच्छा भी लगता है इस त्यौहार पे ये राजस्थानी ड्रेस पहनना, तो मैंने इसको पहन लिया था, उस टाइम मैंने हल्दी वाली ज्वेलरी वेयर की थी, लेकिन आज ये मैंने ना मंगाई थी ज्वेलरी तो वही मैंने पहन ली थी, और मुझे ज़्यादा अच्छे से रजवाड़ी लहंगा पहनना नहीं आता है तो मैंने बस ये पहन लिया, ऐसे ही पूजा घर पर ही करनी है। तो हम लोग यहाँ पर कर रहे थे, मैं तो ना ये जो पन्ना पे पोस्टर होता है मैं प्रिंट निकलवा लेती हूँ गणगौर का मोबाइल से, तो वही पूजा करती हूँ, लेकिन ये जो है ना मिट्टी की बना के ही करती हैं, तो यहाँ पर मेरे गमले में से इन्होंने थोड़ी सी मिट्टी गीली करके छोटा छोटी छोटी सी गणगौर ऐसी नॉर्मली बना ली थी, तो वही ब्लाउज के पीस का टुकड़ा काट के उनके कपड़े पहना रही हैं वो। तो यहाँ पर मैंने सारा सामान इकट्ठा कर लिया था और इस तरह से यहाँ पर पिछले मेरे वीडियो में भी देखा होगा, पिछले साल भी मैंने गणगौर का वीडियो डाला था, तो यहाँ पर गंगौर की पूजा में धूप और फूल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं,
तो ज़्यादा उन्हें भी, वो भी बाहर ही रहती हैं, तो इतना कुछ उन्हें भी जितना उनको याद था जितना मुझे याद था दोनों ने मिलके कर ली। तो यहाँ पर देखिए गणगौर जहाँ रखी हुई है वहाँ पर पट्टे को हम सजा दे रहे हैं, और पट्टा तो बहुत ज़रूरी होता है गणगौर की पूजा में, पट्टे पर ही पूजा की जाती है गणगौर की। तो यहाँ पर ये गार्बी को भी मैंने बुला लिया था, वैसे तो उनकी एक बेटी है आई है साथ में, तो उसके साथ खेलने में लगी हुई है, तैयार तो हो गई थी लेकिन अब गणगौर पूजा नहीं की थी इतनी ज़्यादा, बस थोड़ा सा ही टीका वगैरह लगा दिया, फूल चढ़ा दिया था, खेलने में लगी हुई थी। नहीं वैसे मैं अकेली करती हूँ तो पूरे टाइम मेरे पास ही बैठी रहती है और पूरी पूजा मेरे साथ ही करती है, पर आज खेलने में लगी हुई थी, अंकल लोग उसके आए हुए थे तो इस वजह से उन सब में लगी हुई थी, तो पूजा उसने ठीक से की नहीं, मैंने ही उसकी पूजा कर दी थी, गुना वगैरह सब मैंने ही उसके बदल दिए थे। तो गार्बी ने बस थोड़ा बहुत ही किया, उसको भी मैंने लहंगा पहना दिया था क्योंकि कुछ काम नहीं आते हैं, अब ये खरीद लो फिर रखे रहते हैं, इतना कुछ काम नहीं आता है, तो उसे भी मैंने कहा चलो आज गणगौर है तो तुम भी है ना लहंगा पहन लो, उसे भी मैंने पहना दिया था। तो यहाँ पर अच्छे अच्छे दूब है ग्रीन ग्रीन, तो वो छाट रहे हैं दूब, बहुत सारी ले आए थे ये, गार्डन से भी ले आए थे, मार्केट से भी फूल के साथ खरीद के ले आए थे, इनको लगा बहुत ज़्यादा दूब, मैंने मतलब थोड़ा ऐसे बोला था कि ज़्यादा दूब चाहिएगी क्योंकि एक तो पूजा में रखने वाली दूब होती है तो वो थोड़ी सी लेते हैं, तो मैंने कहा वैसे कहीं ना ले आए, तो मैंने उनको बोला कि ज़्यादा क्वान्टिटी में दूब चाहिएगी, तो वो बहुत ही ज़्यादा लेके आ गए थे, गार्डन से भी ले आए और है ना दो दो बंडल मार्केट से भी ले आए थे फूल के साथ। तो यहाँ पर देखिए मैंने पन्ना लगा लिया है क्योंकि ऑनर वगैरह यहाँ पर ऐसे ही करते हैं, तो दीवार में मैंने पन्ना लगा दिया है, यहाँ बिंदी लगाई जाती है तो मैं 16 बिंदी लगा रही हूँ, यानी कि एक कुमकुम की बिंदी, एक हल्दी की बिंदी और एक मेहंदी की और एक काजल की, तो 4 कलर की बिंदी यहाँ पर लगाई जाती है। तो सुहागन 16 16 बिंदी लगाती हैं, कुंवारी लड़कियाँ 8 8 बिंदी लगाती है, तो यहाँ पर मैंने चारों तरह की 16 16 बिंदियाँ लगा दी थी, और गारवी की भी मैंने 8 बिंदी लगा दी थी। और यहाँ पर अब ये पूजा हो रही है, तो ये पाटा धोते हैं धूप से, तो वही पूजा कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये 4 5 गीत गाए जाते हैं और ये श्रृंगार के सामान पर जल के छींटे दिए जाते हैं, जो जो हम चीज़ें पहनते हैं, तो वही ये मैं कर रही थी, और इसके साथ ये गीत भी गाए जाते हैं, गीत बहुत सारे गाए जाते हैं गणगौर पर। और उसके बाद ये आरती कर रहे हैं, मतलब हम 2 ही जने थे तो ज़्यादा टाइम नहीं लगा, ज़्यादा औरतें होती हैं तो बहुत टाइम लगता है, तो मैं मोबाइल में ही देख के हम आरती वगैरह गा रहे थे दोनों जने। तो देखिए पूजा हो गई है, और इस लोटे में जो हमने पानी लिया था उसमें जो कलर बिंदी लगाने के लिए थे वो चारों कलर इसमें डाल के, और इस तरह से चौड़े बर्तन में पानी को डाल दिया जाता है, और इस पानी में से है ना गणगौर को ना देखा जाता है, ऐसा ये रीति रिवाज होता है गणगौर को, इसमें से ये पानी जब ठहर जाएगा तो ऊपर से गणगौर पानी में साफ दिखेगी, तो इस जल में से ना गणगौर को देखा जाता है। तो यहाँ पर हो जाती है हम लोगों की ये पूजा, तो यहाँ हम दोनों ही है ना, वो पानी हिल रहा था, पंखा वगैरह चल रहा था, तो मैं उनको बोल रही पंखा बंद कर दो, तो पंखा बंद करने के बाद पानी थोड़ा ठहर गया था, तब ये गणगौर है ना दिखाई दे रही थी अच्छे से। तो यहाँ पर देखिए गणगौर वगैरह देख लिए, और बीच में हमने गीत वगैरह भी मतलब मोबाइल से ही गा लिए थे, हमें आते नहीं हैं, और ये गुना है ना बदल रहे हैं, तो गणगौर पर भी हमने गणगौर पर भी है ना गुना चढ़ाए थे, 16 गुना गणगौर पर चढ़ाए जाते हैं, और है ना 32 मतलब है ना हम लोग जो बायना निकालते हैं 32 उसमें लिए जाते हैं, और 16 इस तरह से है ना
मतलब 8 बार उल्टा फेर करते हैं, मतलब एक दूसरे को बदलते हैं। तो ऐसे होता है, 4 सोला लिए जाते हैं, 1 सोला गणगौर पे चढ़ा दिए, 1 सोला हम इस तरह से बदल रहे हैं, और 2 सोला मतलब बायने में लिए जाते हैं। तो बायने में मैंने लड्डू बनाए थे, और बाकी चढ़ाने के लिए मैंने सिर्फ गणगौर बना वो गुना बनाए थे छोटे छोटे वाले। तो 8 मैंने चढ़ा दिए, गरवी के भी चढ़ा दिए, मतलब 16 मेरे और लड़कियों के 8 चढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ हम दोनों बदल रहे थे, और उसके बाद बस अब ये लास्ट में जो बायना निकालते हैं वो करपेंगे। इसको हम करपते हैं, जो हर साल मैं हर चीज़ पर करपती हूँ, दशहरा पे, करवा चौथ पे, तो वही श्रृंगार का सामान है सारा। और मैंने मिठाई में लड्डू बनाए थे, मैं मिठाई ही लेती हूँ, तो मिठाई में मैंने जो लड्डू बनाए थे वो लिए हैं, 32 गिन के डब्बे में डाले हैं। और ये लड्डू मैं अपने ना नेवर्स को और ये जो आई हैं इनको दे दूँगी कुछ मैं, और मेरे नेवर्स हैं अभी तो वो जो यूपी की ही हैं, तो दोनों को दे दूँगी, और थोड़े बहुत मैं इनके ऑफिस में भेज दूँगी, क्योंकि वैसे तो घर पे होते हैं तो सास वगैरह को दे दूँ, लेकिन अभी ये लड्डू तो ख़राब हो जाते हैं, बाकी और सामान मैं वहाँ पर दे दूँगी। तो अब जाते हैं ऊपर सूर्यनारायण को अर्घ देने के लिए। तो ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है गणगौर पूजा में, ये छींटे लिए जाते हैं गणगौर के सूर्यनारायण को अर्घ दे के। तो देखिए छत पर आ गए हैं, अर्घ दे दिया है और छींटे ले लिए हैं अपने सर पे। तो ये पूजा में सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बस फ्रेंड, यही गणगौर की पूजा थी। और इसके बाद थोड़ी सी मैंने रील्स वगैरह बनाई, तो इतना करते करते मुझे 1:30 हो गया, पूजा करते करते 1:30 बज गए थे। और इन लोगों को खाना खिला दिया था, और मैंने बर्तन भी है ना पहले क्लीन कर दिए थे थोड़े, क्योंकि बर्तन बहुत सारे हो गए थे। उसके बाद हम दोनों खाना खाने बैठे। तो यहाँ पर देखिए अब मैं वही ड्रेस पहन के खाना खा रही हूँ, क्योंकि मैं करवा चौथ हो या गणगौर हो, जो कपड़े से मैं पूजा करती हूँ उसी से खाना खाती हूँ, उसके बाद ही मैं सब कुछ उतारती हूँ चूड़ा वगैरह। तो खाना खाने के बाद ही सब मैं चेंज करूँगी। तो देखिए आज खाने में काफ़ी कुछ बना था, प्लेट एकदम भरी भरी लग रही है। तो फ्रेंड्स वीडियो का करती हूँ एंड, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लेना। मिलूंगी जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के